नमस्ते दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कॉलोनिया। इस फिल्म की शुरुआत में एक लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड दुश्मन सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन सेना उसे भी पकड़ लेती है और उस पर कई आरोप लगाकर बहुत टॉर्चर करती है। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए वह एक सीक्रेट जगह पर जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड रखा गया है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए क्या क्या करती है ये हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे। चलो इस फिल्म की शुरुआत करते हैं। ये फिल्म 1973 में शुरू होती है। उस समय चिली में एक गृह युद्ध चल रहा था। अमेरिकी सरकार चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर को हटाना चाहती थी क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट थे, लेकिन चिली के नागरिकों को साल्वाडोर बहुत पसंद थे, इसीलिए वो उनके समर्थन में प्रदर्शन करने आए। पूरे देश में ऐसा माहौल था, हर जगह विरोध और दंगे हो रहे थे। दूसरी तरफ हम लेना को देख रहे हैं जो एक एयर होस्टेस है। वो अपनी क्रू के साथ चिली आई थी और उनकी अगली उड़ान थी। अगले हफ्ते वो सैंटियागो जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेना की नजर उन लड़कों में से एक पर पड़ी, डेनियल पर, जो उसका बॉयफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर डेनियल लेना को अपने घर ले जाता है। लेना वहां पहुंचकर देखती है कि कमरे में सरकार के खिलाफ काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं, लेकिन एक दिन डेनियल को पास से एक कॉल आती है और वो उसे बताता है सभी लोग जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सेना ले जा रही है। इससे डेनियल बहुत नर्वस हो जाता है और वो तुरंत लीना के साथ यहाँ से चला जाता है। असल में डेनियल जर्मनी से काम के लिए यहाँ आया था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट जा रहा था तो उसकी नजर उन सैनिकों पर पड़ी जो नागरिकों पर अत्याचार कर रहे थे। डेनियल ने चुपके से उनकी तस्वीरें ली। दरअसल डेनियल दुनिया को इस सब के बारे में बताना चाहता था, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। इसके बाद क्या हुआ, वो दोनों भी फंस जाते हैं। इस सब के बाद इन सभी कैदियों को एक साथ रखा गया। उन्हें उस स्टेडियम में ले जाया गया जहां एक अनजान आदमी सभी लोगों को पहचान रहा था जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। डेनियल प्रदर्शन में देर से पहुंचा, इसलिए उस आदमी ने डेनियल को आसानी से पहचान लिया। जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें कहीं एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, जबकि बाकी सभी को वहीं छोड़ दिया गया। इस स्टेडियम से बाहर आने के बाद लेना उन बाकी बचे प्रदर्शनकारियों के पास जाती है जो इन लोगों से कहीं छिपे हुए थे, डेनियल को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डेनियल को एक जगह ले जाया जाता है जिसे कोलोनिया कहा जाता है, और वहां से कोई वापस नहीं आया है। सरकार के इस रवैये को देखकर अब कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं है, वह अपनी आवाज उठाना नहीं चाहती, इसलिए लेना एक नन की तरह डिस्गाइज करती है और कोलोनिया नाम की जगह पर जाती है जहां उसे एक हेड सिस्टर मिलती है जिसका नाम वागीला है। वह सिस्टर लेना को ले जाती है। स्थानीय नेता पॉल लेना की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि लेना अभी भी सिंगल है। लेना उसे बताती है कि वह सिर्फ भगवान के लिए जीना चाहती है और इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉल इन बातों से कन्विंस्ड नहीं होता क्योंकि उसके दिल में कुछ और चल रहा था। वहीं लेना अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए उसे पॉल के साथ करीब आना पड़ता है। इसके बाद पॉल उसे यहाँ रहने की अनुमति देता है। जल्द ही यह साफ हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कॉलोनी बाहर से तो काफी साधारण लगती थी, लेकिन अंदर उन्होंने काफी समय तक खुद को छुपा रखा। लेकिन लीना अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के बारे में चिंतित थी और उसे ढूंढ रही थी। सेना उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी। असल में वे डेनियल से बाकी विरोध कर रहे सदस्यों के नाम जानना चाहते थे, लेकिन डेनियल ने उन्हें कुछ नहीं बताया। डेनियल तो यह भी नहीं बताता कि वह सिर्फ पोस्टर बनाने का काम करता था। यहाँ उन्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है कि उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। वहां लीना की दोस्ती एक नर्स डोरो से होती है। डोरो उसे बताती है कि यहाँ औरतें, मर्द और बच्चे एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं, और जब भी कोई खास मेहमान आता है तो यहाँ एक मिक्स परेड होती है
तभी सब एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन लोग आपस में नहीं मिल सकते। लेना पूछती है, क्या यह मिक्स परेड है? डोरो कहती है कि उसे नहीं पता यह फिर कब होगी, लेकिन आखिरी परेड 3 साल पहले हुई थी, जिसमें वह डेटन से मिली और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद हम लीना को बाकी बहनों के साथ खेत भेज देंगे। काम करते समय हमने देखा कि हेड सिस्टर सबकी निगरानी कर रही थी, जबकि लीना लगातार धूप में काम करने की वजह से चक्कर खा रही थी। वो आती है, लेकिन उसे पानी के बजाय डांट पड़ती है। वहीं डैनियल अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कॉलोनी में लाया गया। उसे यहाँ अलग अलग काम दिए गए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत हल्के काम दिए गए। अब वो सबको बताता है, उसका नाम हंसते हंसते डैनियल था, जो अंदर से पागल बनने का नाटक कर रहा था ताकि कोई उसकी तरफ ध्यान न दे सके और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। दूसरी तरफ हेड की बहन लीना और डोरो के बीच बढ़ती दोस्ती को वो नोटिस करती है और बातचीत में लीना को डोरो और डेटन के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए मजबूर कर देती है। फिर हेड की बहन डोरो को उठाकर कहीं ले जाती है और लीना भी चुपके से उसका पीछा करती है। हाँ, कुछ दिमाग धोए हुए लोग एक इकट्ठा होने आए थे और डैनियल उनमें से एक था। रस्सियां उनके बीच रखी गईं। फिर पॉल यहाँ आया और सबको बताने लगा कि डोरो पर दिम का साया है, जिसके चलते डोरो को शादी करने का ख्याल आ रहा है। यहाँ सब लोग पॉल की बात पर भरोसा कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है जैसे पॉल का सीधे भगवान से कनेक्शन है और वो भगवान का संदेश वाहक है। इसके बाद वो डोरो के लिए डाटन को भी बुलाता है, लेकिन डाटन यहाँ कुछ नहीं कर पाता। फिर डोरो को उन लोगों के पास भेज दिया जाता है जहाँ वो सभी मिलकर बहुत बुरे काम करते हैं। खिड़की से ये सब देखते हुए एक आदमी की नजरें लीना पर पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाए, लीना जल्दी से भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगले दिन लीना को एक बहन से पता चलता है कि डोरो को इतना परेशान किया गया कि वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। अब लीना को डैनियल से मिलने का बस एक ही तरीका पता है और वो है मेस की सभा। लेकिन वहाँ जाने के लिए लीना को कुछ ऐसा करना था कि उसे भी वहाँ ले जाया जाए। वो अपनी योजना में सफल होती है जब उसे नदी में नहाते हुए पकड़ लिया जाता है। नियमों के तहत एक पुरुषों की सभा में लाया गया ताकि उसके शरीर से बुरे आत्माओं को भगाया जा सके, लेकिन डैनियल के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ हम डैनियल को असल में देखते हैं, जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। वे एक रास्ता तलाश रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने डोरो के साथ किया था, लेकिन अचानक अलार्म बजने लगा। पता चला कि डैनियल भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसने बिजली के तार को छू लिया और झटके से बेहोश हो गया। ऐसा हुआ कि सैनिकों ने कुछ नहीं किया, उसे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उनकी नजर में डैनियल पागल था। अगले दिन एक मिक्स पार्टी होती है जहां आखिरकार लीना और डैनियल एक दूसरे को देखते हैं। 6 महीने बाद लीना रात में उसे आलू के खेत में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वह रात में आलू छीलने का काम करती थी। बात करते करते डैनियल आलू के खेत के नीचे एक सुरंग देखता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे वही कमरा दिखाई देता है जहां उसे टॉर्चर किया गया था, और वही सुरंग थी जिसके जरिए लड़कियों को लाया गया था। उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा इस सुरंग के अंदर बंदूकें और जहरीली गैसें बनाई गई थी। डैनियल यहाँ सिर्फ आता था। डैनियल अपने पास एक चोरी का कैमरा लेकर कई फोटो खींचता है। वो ये फोटो को लेना को दिखाता है। इन फोटोज को देखकर लेना बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये लोग डैनियल की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। वो कहता है कि हम सुरंग के जरिए बाहर निकल सकते हैं और हमें आज ही यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मिलिट्री वाले मेरे पीछे हैं। जब हेड सिस्टर यहाँ आलू छीलने आती है तो डैनियल जल्दी से सुरंग में छिप जाता है। उसने अपने साथ चाकू नहीं लाया, इसलिए हेड सिस्टर चाकू लाने चली जाती है। फिर दूसरी सिस्टर लेना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लेना थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में यह जानकारी कैसे मिली। फिर सिस्टर बताती है कि उसने उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की एक फोटो क्रॉस के नीचे छिपी हुई देखी थी, और वह यह भी बताती है कि हेड सिस्टर उसकी माँ है।
तभी हेड सिस्टर आती है। यहाँ वह देखती है कि अब तक दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो वह लीना से कहती है जब वह यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हेड सिस्टर उन फोटो पर हाथ डाल लेती है जो डैनियल ने अभी खींची थी। इसके बाद लीना को पूछताछ के लिए लाया जाता है। इससे पहले कि पॉल लीना को परेशान करे, डैनियल आ जाता है और कहता है ये फोटो। पॉल पूछता है ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। तब डैनियल अपने ही बॉस को फंसाते हुए पागल बनने का नाटक करता है और कहता है कि ये फोटो मैंने अपने बॉस की फाइल से ली है। इसके बाद लीना को छोड़ दिया जाता है और हेड सिस्टर उसे ले जाती है। अपने कमरे में वापस जाते समय जब वो कार ले रही थी, तब लेना उस पर हमला करती है और डैनियल के साथ भाग जाती है। लेना हेड सिस्टर की बेटी से भी कहती है कि वो उसके साथ चले। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और पूरी सेना इन तीनों की तलाश में लग जाती है। वो एक सुरंग के जरिए जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन उस जंगल में कई जाल लगे हुए थे जिसके कारण सिस्टर की मौत हो जाती है। अब दोनों किसी तरह भागकर चिल्ली में जर्मन दूतावास पहुंचते हैं, जहां उन्हें नए पासपोर्ट मिल जाते हैं। डैनियल बताता है यहां के अधिकारियों को कॉलोनी के अंदर हो रहे अवैध गतिविधियों के बारे में बताया गया और उन तस्वीरों को भी दिखाया गया, लेकिन चिल्ली से जर्मनी के लिए अभी कोई सीट उपलब्ध नहीं थी। तो लेना ने अपनी टीम के कप्तान को बुलाया, क्योंकि लेना की उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी और वह अगली फ्लाइट का कप्तान भी था। उसने दोनों के लिए सीटें तय कर दी। वह अधिकारी को खुद एयरपोर्ट लाने के लिए कहता है, लेकिन सामने से नहीं बल्कि एयरपोर्ट के पीछे से। उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है और जब ये लोग अधिकारी से इसके बारे में पूछते हैं, तो वो अधिकारी कहता है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। लेना इस पर शक करती है, क्योंकि उसे बताया गया था कि उड़ान की टेक ऑन ऑफ में देरी हो रही है और उसे ये बहुत अच्छे से पता है कि उड़ान का समय हो गया था, क्योंकि वो इस उड़ान पर काफी समय से फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी। फिर चुपचाप लीनिंग करते हुए वो देखती है कि अधिकारी पॉल से मिल रहा है और फिर उसे पता चलता है कि जर्मन दूतावास भी पॉल से मिल रहा है। पॉल फिर दोनों को पकड़ लेता है और दोनों कार से कूदकर भागने लगते हैं। जब पायलट दोनों को देखता है, तब वो दोनों ठीक समय पर प्लेन में चढ़ते हैं। पॉल के अंदर आने से पहले कप्तान जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि पॉल नहीं चाहता कि डैनियल और लीना चिल्ली से भाग जाएं। उसे डर है कि अगर डैनियल दुनिया को कॉलोनी में चल रहे अवैध कामों के बारे में बता देगा, तो उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फ्लाइट कैंसिल कराने की कोशिश करता है, लेकिन लीना उसे जाने नहीं देती। वो एक दोस्त से मदद मांगती है, जिसके बाद वो बिना अनुमति के फ्लाइट उड़ाता है और फ्लाइट ले जाता है जर्मनी, और इस तरह लीना और डैनियल की जिंदगी बच जाती है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कॉलोनिया भी ऐसा ही एक जगह है जहां चिल्ली की पुलिस ने कैदियों को गैर कानूनी तरीके से टॉर्चर किया था। 40 साल की इस इतिहास में यहां से सिर्फ 5 लोग भागने में सफल हुए।